हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है लाइफ दोगुना। मैं हूं रवि, ये है राहुल। एंड आज का जो शो है ये विस्की का शो नहीं है। विस्की हम यहाँ पे नहीं आज करने वाले की राहुल, और हम शो में सिर्फ विस्की नहीं करते, हम बहुत कुछ करते हैं। वाइन भी होती है हमारे शो में, वाइन भी होती है। हाँ, तो आज क्या लेके आया भाई? डिफरेंट तरीके की वाइन लेके आया भाई। आज डिफरेंट तरीके की वाइन क्या बोलता है? जाओ जाओ। कार्लो रॉसी। तो ये ना एक्चुअली बहुत कम लोगों को इस ब्रांड के बारे में पता है। रीजन बीइंग कि ये एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में अभी हाल ही में इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ है। हमारी एक फेवरेट रम है प्लूटन बे, जिसका रिव्यू आपको ऊपर दिख जाएगा, जरूर देखना उसको। तो उस जो प्लूटन बे को जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, रेडिको खैतान, वही कंपनी इसको इंडिया में आज के टाइम पे इम्पोर्ट करवा रही है। और जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली जो मैन्युफैक्चर करता है इसको, वो यूएसए में एक वर्ल्ड लीडिंग वाइन लीडिंग कंपनी है जिसका नाम है ENJ गैलो विनियर्ड्स या वाइनरीज। हाँ, विनियर्ड है, ठीक है। और जहां तक राहुल ने मेरे को बताया था कि यूएस में मोस्ट लीडिंग ब्रांड है, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब ये इनका पॉपुलरिटी मतलब बहुत हाई है, इन कंपनी के ब्रांड की पॉपुलर मतलब एक हाई लेवल पे, मतलब वाइन्स बनाते हैं। हाँ, तो मतलब ये कहेंगे कि वाइन मार्केट में ये एक अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, ऐसा कहा जाता है। अभी हम पी के बता देंगे अव्वल दर्जे के हैं, लोकल लोकल दर्जे के हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब इसके लिए एक बढ़िया सा चखना बनाता है। हाँ भाई, चखना तो जल्दी से, और बातें आगे करेंगे तो जल्दी से चखना लेकर। बिल्कुल। ये ले भाई राहुल, तेरे लिए कुछ यूनिक और स्पेशल चखना। ओ भाई वाह, क्या बात है। मतलब ये तो एक बनाया भी मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन जो लास्ट वाइन का जो मैंने रिव्यू करा था ना, उसमें देखना रवि ने क्या चखना बनाया था आपको। वो तो कुछ क्रिसमस स्पेशल चखना था, और ये जो चखना मैंने बनाया ना, एक्चुअली में क्या है, ज्यादातर लोग ना ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइन के साथ चीज खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई हम तो देसी इंसान, हमारे लिए बचपन से जो चीज रहा है वो तो पनीर रहा है ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना पनीर में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जाए।
तो ये मैंने घर पे पनीर बनाया, इसकी रेसिपी आप देखना बहुत अच्छे से, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी में से एक है ये, और आप इसको कभी अच्छा होममेड पनीर है मतलब ये। हाँ चलो भाई ये ठीक है, अच्छी बात है। हाँ घर पे बनाया है, और ये जो जो इस पे मसाले वसाले लगे हैं ना, बहुत इजी है, आप बना के देखना मजा आ जाएगा। तो और देरी ना करते हुए राहुल जरा जल्दी से चख के बता कैसा है ये। कभी मत खाना इसको बना के, इतना टेस्टी है। सही बता रहा हूँ भाई, भाई बहुत टेस्टी है। ना चीज घर पे ही बनाया तो उसका तो टेस्ट एक अलग ही है। मतलब इसमें ना पता कैसा लग रहा है मेरे को, पिज्जा खाते हो ना आप, तो पिज्जा के साथ जब आप उसके अलग अलग फ्लेवर्स ऐड करते हो उसके साथ सीजनिंग वगैरह, तो वो अलग कुछ फ्लेवर आ रहा है इसके साथ, वो काफी अच्छा लग रहा है खाने में। और साथ में इसने इंडियन टच देने के लिए धनिया भी डाला है इसमें। लास्ट टाइम जब हमने वाइन टेस्ट करी थी ना, तो वाइन के टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा एटिकेट होता है, तो हमने डिस्कस नहीं किया था, तो मैं सोच रहा हूं आज डिस्कस कर लेते हैं। हां बिल्कुल डिस्कस करो। तो देखो जब भी आप वाइन जैसे देखो वाइन मैं बता दूं एटिकेट डिस्कस है ना, मेरे को एटिकेट की कोई मत फिर भी थोड़ा सा अपने को करता है लिखकर एंजॉय वाला थीम, ठीक है ना। अब जो रवि फॉलो करने वाला भाई आप भी फॉलो करना। तो देखो सबसे पहले तो अगर आपको टर्म याद हो, जो वाइन टेस्टर जो होता है ना, जो टेस्ट करता है वाइन को, और उनको सोमेलियर बोलते हैं। ओके ठीक है। तो सबसे पहले तो विस्की जैसे राहुल ने पोर करिए बिल्कुल सही तरीका था, वैसे ही पोर करते हैं, हल्का सा ग्लास टिल्ट करके, ताकि वो जब विस्की गिरे तो वो पूरे तरीके से सब जगह से पोर हो, एक स्वर जो लिट टाइप बनता है वो। ओके ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो की जाती है, ग्लास को ऐसे रख के ना इसको इस तरीके से, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है सोमेलियर ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, बट कुछ ग्लास छोटे होते हैं तो वो अक्सर बाहर निकल के गिर जाती है। ओके और अगर कुछ लोग हैं जो ठीक से कर भी नहीं पाते, तो उनका सबसे आसान तरीका ऐसे टेस्ट पे रख लो, ठीक है, और जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं ना इस तरीके से ऐसे पकड़ के, और इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे ना ऐसे, वंडर लाना है तो वंडर। हाँ वंडर लाना है, ठीक है। अब इसका रीजन पता है क्या होता है, हर स्मेल आ रही है एग्जैक्टली, यही रीजन होता है, जब हवा इससे मिलती है ना, हवा इसके साथ जाती है, तो एक काफी अच्छा सा एक और अरोमा क्रिएट होता है, ठीक है, जो जो छुपा होता है, काफी देर से ये विस्की बंद रही है इसमें, तो वो सारा पैक हो जाता है सारा अरोमा वगैरह, तो उसको ही खोलने के लिए इसको इस तरीके से मिला हिलाया जाता है ताकि वो अरोमा बाहर आए, ठीक है। ये ट्रिक बाय अच्छी है ना, सीधा स्मेल कर। और तू बता भाई क्या क्या फील हो रहा है। देखो सबसे प्रोमिनेंट जो मुझे फील हुआ है इसमें, थोड़ा सा सिट्रसी, थोड़ा सा खट्टा है ना, लेमन का फील आ रहा है ना, और इसका कलर भी कुछ लेमन ही है। तो एक्चुअली इसमें तीन येलो फ्रूट यूज हुए हैं, ठीक है, एक लेमन जो आपने बोला, ठीक है, और उसके बाद इसमें यूज हुआ है येलो एप्पल, येलो एप्पल ग्रीन एप्पल, येलो एप्पल, ओके ठीक है, वो हल्का सा ग्रीनिश जो येलो स्टेट होता है, ठीक है, और उसके बाद इसमें इस्तेमाल हुआ है पैर, पैर भी जैसे भी आपको पता हल्का सा ग्रीनिश हल्का सा येलो होता है, ओके ठीक है, पका हुआ पैर जाता है येलो स्टेट में होता है, ओके, तो उसको ही इस्तेमाल करके इनको उसको फर्मेंट किया, उसको फर्मेंट करने के बाद उसको थोड़ी सी एजिंग एजिंग कराते हैं, तो ज्यादा एजिंग नहीं होती है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टर वाइन है, ठीक है। बट हाँ कैसा लग रहा भैया स्मेल, स्मेल तो भाई थोड़ा थोड़ा ना एप्पल भी फील होगा, एप्पल भी फील हो रहा है, फ्रूटी नोट बहुत अच्छे हैं, मतलब आई लाइक द स्मेल, मतलब कि एक बहुत ही प्लेजेंट सी स्मेल है, मतलब लास्ट टाइम में हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा था, थोड़ी सी रॉ थी ये बहुत पता चलती है शायद इसीलिए कुछ इंटरनेशनल लेवल कंपनी इंटरनेशनल लेवल के, तो भाई इंटरनेशनल। अब दूसरा होता है कलर टेस्ट, कलर टेस्ट के लिए हमेशा ना एक वाइट पेपर इस तरीके का ले लेना, ओके, और ऐसे ना इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे ऐसे, ओके ठीक है, और इसके बिल्कुल अब ये पेपर जो नीचे होता है ना, ये पेपर ना व्हाइट बैकग्राउंड देता है, जिससे ना जो और जो शेड बनते हैं ना कलर के, अगर तो देख रहा होगा वाइन पे देख, ऊपर बिल्कुल लाइट कलर है, बिल्कुल पानी जैसा कलर है, और धीरे धीरे डार्क होती जा रही है, नीचे बिल्कुल येलो हो गई, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। अब जो ऊपर बिल्कुल वाटरी सा है ना, ठीक है, और हल्का हल्का सा मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल वाटरी है, बट हल्का सा येलो स्टेट है, अब ये चीज बता रहा है कि ये ना उतनी ज्यादा एज नहीं हुई है, बिल्कुल ना बिल्कुल यंग
वाइन है, यंग वाइन है, ओके है ना, ओके। अगर ये ज्यादा, अब जैसे रेड वाइन में खासतौर से ज्यादा अच्छे से पता चलता है, ठीक है, रेड वाइन में क्या होता है कि अगर तो वो ऊपर भी बिल्कुल रेडी है, जैसे नीचे का पूरी बॉडी का कलर रेडी है, तो मतलब वो यंग है, बट अगर वो जैसे इसमें बिल्कुल लाइट है, उसमें अगर वो थोड़ा सा प्याजी कलर हो, थोड़ा सा पिंकिश कलर हो या पर्पलिश कलर हो, तो पता चलता है कि हाँ एज स्टेटमेंट है, उसमें एज कराई गई है, तो इससे एजिंग इस तरीके से पता लगाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है, और उसके बाद आप जरा टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने का वही तरीका है जैसे विस्की टेस्ट करते हैं कि मुंह में लो उसको, चारों तरफ अच्छे से स्वर्ल करो, पूरे मुंह में फील होने दो, ट्राई करें। मैं लेकिन बढ़िया लग रही है भाई, इसकी वजह से मजा आ रहा है, ट्राई करें। रियल वाइन का जो टेस्ट होता है ना, खट्टे सेबों का, खट्टे जूसेस का, थोड़ी सौर सॉरनेस ज्यादा है इसमें, क्योंकि उसी तरीके के इसमें फ्रूट इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा टेस्ट है। ज्यादातर जो वाइन होती है वो बनती है ग्रेप से, ठीक है, बट ये एक ऐसी वाइन है जिसमें ग्रेप इस्तेमाल ना करके तीन अलग अलग तरीके के फ्रूट इस्तेमाल हुए हैं, ओके, ठीक है, वो एप्पल, पेयर और नींबू, नींबू, ठीक है, कैंडीड नींबू जो होता है उसको, और उसकी वजह से जो इसका टेस्ट है ना, मैं आपको बताऊँ, अगर आपने सेब का मुरब्बा खाया होगा, सेब जो होता है उसको फिर सुखा देते हैं, फिर वो एकदम से रबड़ी सा हो जाता है, कभी अगर आपने उसका खाया हो, ठीक है, तो बिल्कुल उस तरीके का टेस्ट है इसका, बीच में पीछे हल्के से खटास है नींबू की और पेयर, बहुत प्यारा टेस्ट है, मतलब बहुत बहुत प्लेजेंट है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट, है ना। यही खास बात होती है व्हाइट वाइन और रेड वाइन में, रेड वाइन क्या होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है पैलेट पे, फिर इसमें टैनिंग ज्यादा होता है, उसमें प्रोफाइल टेस्ट का जो होता है ना चीजों का ज्यादा होता है, और व्हाइट वाइन क्या होती है ये थोड़ी सी ज्यादा डिस्टिल्ड कराई जाती है, थोड़ा सा ज्यादा इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो होता है वो होता है, तो ये काफी लाइट हो जाती है, मेलो हो जाती है, ठीक है, तो ये फर्क आता है, और इस वजह से काफी ज्यादा स्मूथ भी लग रही है, बहुत अच्छी है, मतलब है ना, अच्छी उमदा वाइन है, लाके ट्राई करना बनता है आप लोगों का, और अभी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वाइन कैसी लगी। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन टाइप वाइन है, मैं ये कहूंगा कि इसमें ना अगर ये थोड़ी सी फिजी होती ना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्पार्कलिंग फिजीनेस होता, जैसे स्पार्कलिंग वाइन भी बोलते हैं, तो ये और भी ज्यादा जायका इसमें आ जाता, एंड अगेन जैसे कि हम बोल रहे हैं वाइट वाइन है, अगर आप इसको हल्का हल्का यूज करते हैं तो ये खाने में भी जायका बनाती है, खाने का टेस्ट अच्छा आता है, हेल्थ भी लोग कहते हैं अच्छी रहती है, स्किन पे ग्लो वगैरह बना रहता है, क्योंकि इसमें ना अच्छे फ्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं। देखो जिसने कभी वाइन ना पियो ना, वो एक चीज का हमेशा ध्यान रखे कि आपने अगर वाइन, आप तो सोच रहे हो कि वाइन है और कोई चढ़ेगी नहीं, अभी गलत फहमी है, आप एक बोतल पी लोगे, आप सोचोगे निशानी है एक बोतल और पी लो, आप दो बोतल पी लोगे, लेकिन आप जैसे ही बोतल डाउन करोगे ना और थोड़ा टाइम आप बिताओगे इसके साथ, क्योंकि वाइन के साथ एजिंग थोड़ी जुड़ी होती है, थोड़ा जब टाइम से बिताओगे ना आपको मानना पड़ेगा कि आपका नशा, अच्छा खासा नशा आपको हो रहा है, थोड़ा बहुत नशा नहीं, एक मतलब जैसे देसी कुआ पी के नशा होता है ना, आपको तरह का नशा हो जाएगा, मतलब इस वाइन में, मतलब वाइन जो बनी है ना वो टेस्ट थोड़ा फूड के साथ इंजॉय करने के लिए बनी है, तो आप भी उसको फूड के साथ इंजॉय करने के लिए उसको पीजिए, फूड के साथ मजा लेके पीजिए इसको। ज्यादातर जो वाइन होती है जब डिनर के टाइम पे इस्तेमाल की जाती है, फूड के साथ, फूड के साथ पेयर करने के लिए, एक अच्छा टेस्ट बनाने के लिए। और सही बोल रहा राहुल, ये जो पर्टिकुलर वाइन है इसका जो अल्कोहल लेवल है वो 10.5% का है। ज्यादातर वाइन में अल्कोहल कम ही होता है, बहुत कम वाइन होगी जो बहुत ज्यादा हैवी अल्कोहल पे होगी, अदरवाइज 10 से 15 के बीच में जाती है ज्यादातर वाइन, है ना, और ये भी 10-10.5% के है। मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल काफी अच्छा टेक्सचर है, काफी अच्छा टेस्ट है इस वाइन का, थोड़ा सा और अगर अच्छे से एज कराई होती तो और थोड़ा सा निखर के आता इसका टेस्ट, बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा जो वुडी इफेक्ट जो होता है वाइन में, थोड़ा सा जो वुड का जिसमें का और एज कराई जाती है, थोड़ा वो एक कैरेक्टर भी ऐड होता है उसमें, एजिंग अच्छी होती है, अदरवाइज अच्छी वाइन है, आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हो और आप इसको खुद भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल दोनों चीज कर सकते हो, है ना। तो ये तो था हमारा सेकंड वाइन का रिव्यू, एंड आई होप कि आपको पसंद आया हो, ऐसी फ्यूचर में और भी हम वाइन इंट्रोड्यूस करेंगे अब अपनी वाइन की सीरीज भी, कंपैरिजन भी डालेंगे हम आपके पास वाइन का, जल्दी हम कंपैरिजन भी डालने वाले हैं, तो आपको पता लगेगा कि रेड वाइन और व्हाइट वाइन में टेस्ट का मतलब क्या फर्क होता है, कैसे वो दोनों दूसरे डिफरेंट होती है और कैसे दूसरे से अच्छी होती है। एग्जैक्टली, तो ये तो था हमारा आज का रिव्यू, एंड राहुल कुछ बोलना चाहूँ, बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, मतलब जिस आपके दोस्त ने कभी कोई वाइन ना ट्राई करी हो, किसी ने कोई लिक्विड ट्राई ना करी हो जो हमने अपने रिव्यूज में डाली हो, तो आप हमारे वीडियोस के साथ शेयर करिए, हमारे वीडियो ना बिल्कुल नेचुरल होते, जेन्युइन होते, थे हम यार देसी लोग हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो जैसे आप पीते वैसे हम भी खाते पीते हैं, ठीक है ना, तो सेम हमारी कहानी चल रही है, तो हम चाहते हैं एक
एक लेवल आपका और हमारा एक लेवल बना रहे हैं। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसे शेयर भी करिए, तो हम चाहते हैं कि वो शेयर करके आप दूसरे लोगों के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करिए जो हमने आपके साथ करी है, तो उनको भी वो चीज पसंद आएगी और आपको तो पसंद आ ही रही है यार, हमें पता है क्या मिल रहा है बढ़िया वाला। बिल्कुल सही कह रहा है ना। एंड जाने से पहले हमेशा की तरह एक और बार कहूंगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। बिल्कुल ठीक है, तो फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक लाइव दोगुना की तरफ से चीयर्स।